19 मई को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृह में फैशन शो के ऑडिशन का उद्घाटन किशोर जोरगेवार के हाथों किया गया। टच ओट की ओर से विदर्भ स्तरीय न्यू ग्लैम आइकॉन 2019 फैशन शो स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसके लिए 19 मई को रविवार इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी सभागृह में ऑडिशन लिया गया। इस समय यंग चांदा ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष किशोर जोरगेवार इनकी प्रमुख उपस्थिति थी। इस अवसर पर जोरगेवार इनके हाथों इस ऑडिशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। चंद्रपुर के युवा युवतियों को फैशन जगत में अवसर मिलने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन जरूरी होने का उन्होंने इस समय कहा। साथ ही आयोजकों की सराहना की। फैशन जगत में नए युवा युवतियों को अवसर मिलने हर वर्ष इसी तरह टच वुड की ओर से विदर्भ स्तरीय न्यू ग्लैम आइकॉन 2019 फैशन शो स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यह स्पर्धा श्री मिस श्रीमती और एमएक्सगढ़ में 19 जून को इंदिरा गांधी प्रदर्शनी समारोह में होगी। इसमें 16 वर्ष से ज्यादा स्पर्धक हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए 19 मई रविवार स्थानिक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक समारोह में स्पर्धकों का ऑडिशन लिया गया। इसमें 80 स्पर्धकों ने सहभाग लिया था। इस समय किशोर जोरगेवार की प्रमुखता से उपस्थिति थी। इस समय किशोर जोरगेवार ने स्पर्धकों को शुभकामनाएं देते ऐसे आयोजन से फैशन जगत में चंद्रपुर का नाम देश स्तर पर ले जाने वाला मॉडल चंद्रपुर को मिले ऐसी आशा व्यक्त की। और मैं निखिल आसवानी, फाउंडर ऑफ टचवुड एंटरटेनमेंट, हम फिर से आ गए हैं एक और नया शो लेके, ग्लैम न्यू ग्लैम आइकॉन। इसमें हमारा एक मोटो ये है कि हमने इसमें मिस्टर ही नहीं, मिस ही नहीं, मिसेज ही नहीं, इसमें हमने एमएक्स ट्रांसजेंडर भी लिया हुआ है। इसके साथ हमारा ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जैसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको दुनिया से अलग समझा जाता है, तो हम इसमें वो दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया से अलग नहीं है, वो भी इंसान है। तो इसलिए हमने उनको इस शो में साथ में रखा हुआ है, मिस्टर मिस मिसेस एमएक्स न्यू ग्लैम आइकॉन 2000। ऑडिशन आज 19 मई को हम प्रियदर्शनी सभागृह हॉल में ले रहे हैं। काफ़ी सारे कंटेस्टेंट आए हुए हैं, अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। इसी का फिनाले नेक्स्ट मंथ जून में 19 तारीख को हमने इसी हॉल में प्रियदर्शनी में रखा हुआ है। तो मेरी और मेरे पूरे टीम की आपसे ये विनंती है कि आप सब लोग 19 जून को आप सब लोग आइए और अपना मार्गदर्शन दीजिए।